तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और किस प्रकार से ये पूरा की पूरा परिवार। ये हट का गेट बना रहे हैं ये। तो ये कब जाएगा? ये कल जाएगा या परसों जाएगा? आज जाएगा। आज ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ये कौन सी जगह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं रूलर गांव में और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे किस प्रकार से खेतों में बांस की जो झोपड़ी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और कितनी मेहनत से बनाई जाती है। ये कारीगर है, इन्होंने खुद ने बनाई है और किस प्रकार से देखो कलर पेंट करके खुद के मुँह पे भी छींटे लग चुके हैं और इसका भी काम चल रहा है किस प्रकार से ये बाबा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्याऊ वगैरह और जो हट होते हैं गार्डन के अंदर लगाए जाते हैं। ये हट बन जाती है 3 दिन में। इन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट की हट है जो 3 दिन में बन जाती है। बांस की टाटी, इसको बांस की टाटी भी कहते हैं। और ये गीले बांस से बनाई जाती है, सूखे बांस से? गीले बांस से बनता है और बढ़िया बनती है, मजबूत और डिजाइनदार भी बनती है और बांस की बनती है। बोलो जैसे बना देंगे। झोपड़ी बनाओ और प्याऊ बनाओ, रेलिंग लगाओ। तो क्या बोलते हैं? बांस की टाटी बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं जाली वाली। तो आप देख सकते हैं हवादार और जालीदार, बिल्कुल अच्छे कारीगर द्वारा बनाई गई है। कलर करा हुआ है और इसके कलर किया हुआ है और ये विदाउट कलर वाली किस प्रकार से दिखाई देती है वो भी देखते हैं। बांस की टोकरी बनाई जाती है। लो इधर आगे बोलो। कितने दिन में बन जाती है टोकरी? ये एक दिन में एक बनती है। कौन सी वाली? ये बड़ी वाली बनती है एक दिन में। जैसा कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि ये जो बड़ी बांस की जो टोकरी है इसको एक दिन में एक टोकरी बनती है और इसकी कीमत कितनी होगी? ये 250 रुपये की है। बहुत मेहनत है इसके अंदर और इनकी दुकान कालवा रोड पे है, तो आप आके यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं, जो कि मैं इस मोबाइल नंबर इस वीडियो में डाल दूँगा। तो आप इनका मोबाइल नंबर क्या है आपका? मैं इनके मोबाइल नंबर इस स्क्रीन में नीचे आप नंबर देख सकते हैं, उस नंबर पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फूले की टाटी है, ये जो चद्दर होता है ना, चद्दर में वो गर्मी नहीं आती, ऊपर डालते हैं इस पर गर्मी नहीं आती, ये लगाते फूले की ठंडी रहती है, ठंडा रहता है ये, ऊपर डाल चद्दर के ऊपर डालते तो ये ठंडा रहता है। इससे इन्होंने ये जो आजकल जो लोहे की चद्दर होती है उससे जो बनाते हैं मतलब कोठड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर ये रख दो तो उससे ये ठंडी रहती है, गर्मी नहीं आएगी। तो इन्होंने ये भी एक बनाया है। इसकी हट भी बनती है, छिया के लिए भी बन जाती है। इन बम्बू से बनाई जाती है, ये जो बम्बू है जो आप देख पा रहे हैं बम्बू से बनाई जाती है। ये एक बम्बू कितने का आता है? 150 रुपये का। तो इन्होंने बताया 150 रुपये का जो एक बम्बू आता है, ये आसानी से मिल जाता है या खरीदना पड़ता है? नहीं, खरीदना पड़ता है, लाल कोठी से लेके आना, बहुत ये हमारे हिसाब से लेके आना पड़ता है। बांस गीला बांस सूखा बांस ही चलता है। तो आप कौन से जगह के हो? हमें जालौर जिला है। अच्छा, जालौर। जालौर जिला हमारा पाथेड़ी गाँव है। अच्छा अच्छा, दासपा के पास पाथेड़ी गाँव है, वहाँ के रहने वाले हमें। जालौर जिला पड़ता है, तहसील साइला पड़ता है। 15-20 साल हो गए यहाँ रहते हैं। नहीं, वो तो मैं ही देख रहा हूँ, शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। तो ये तो कह रहा हूँ मेरे बच्चे हो गए, तो इनको मैं देखता हूँ 10-12 साल तो मेरे को हो गए इनको देखते हुए। इसी कारणवश इन्होंने थोड़ा खुली जगह में और अपने काम को बढ़ाने के लिए इस साइड इस जगह का लिया है। और ये रोहिड़ा हाँ, और इनकी दुकान रोहिड़ा के पेड़ के नीचे है बिल्कुल।
छाया के नीचे। मेरा नाम है साइबर राम, इनका नाम साइबर राम है और ये अपने कालवा रोड पे इनकी दुकान है। 10-12 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी कोरोना काल के समय 2 साल का इनका काम ठप रहा था, इन्होंने वापस से इस काम को स्टार्टिंग की है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करनी है। और जो भी ऑर्डर मिलते हैं आसपास में आपके जो हट होते हैं नॉन वेज और वेजिटेरियन जो ढाबे बनते हैं उनके लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कॉन्टैक्ट करके और ये बांस की जो टाटी जो हट है वो बनवा सकते हैं, हवादार जालीदार, वो ढाबा और रेस्टोरेंट एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो बनाई है बांस की जो टोकरी है, तो ये इतनी सारी टोकरियाँ इन्होंने बनाई है, तो इनको लगभग 10-15 दिन लग चुके हैं बनाने में। और इनकी कीमत 250 रुपये एक टोकरी की है। होलसेल में कितने की बिकती है? होलसेल में बिकती है 100 रुपये। होलसेल रेट इसकी 100 रुपये, जो अगर इनको ऑर्डर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाते हैं, तो आप होलसेल के लिए भी इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो देखो किस प्रकार से, इन्होंने भी एक हट बना रखी है तिरपाल की। ये बच्चा और ये देखिए कितने खुश रहते हैं अपनी जीविका चला के और बच्चे को झूला खिला रहे हैं। देसी झूला है और ये देसी झूला है और इसके अंडरवियर का आ गई बच्चे की, ये ऐसे ही है लंका घूमता है चड्डी पहन क्या। और ये इनका देसी झूला जो बच्चों को किस प्रकार से झूला जाता है झूला खिलाते हैं। इसके पापा का नाम है भगवान आराम। भगवान? हाँ भगवान आराम। आपका नाम दिखता है ये? मेरा नाम। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि मैं इसके पापा हूँ। इसका पापा हूँ। कितने खुश रहते हैं बच्चे को झूला खिला रहे हैं और ये भी देख रहा है। अगले भी एक अच्छा कारीगर बनेगा आने वाले समय में। इसको अच्छी क्वालिटी वाली चीज सिखाना जो मैंने बताया था ना। हाँ जी वो मैं लेके मेरे साथ चलना मोटरसाइकिल पे, मैं लेके चलूंगा किसान धर्मकांटा वहाँ मेरे साथ चलना। परसों आऊंगा ना मैं तो तुमको लेके चलूंगा। हेलमेट है तुम्हारे पास? नहीं हेलमेट है ना? हेलमेट है। हाँ तो मेरी गाड़ी से लेकर। नहीं नहीं बंद नहीं है, चलू है ये छाया आ जाती है देखो ये देखो चालू है ना। ये क्या है थोड़ा सा वैसे हो जाता ना तो शट डाउन हो जाता है ये।